जी ठीक है ठीक है। सुबह सुबह किससे बात कर रहे? वैसे मम्मी का सबसे प्यारा बेटा कौन? मम्मी का सबसे प्यारा बेटा सुबह हुई माँ से शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा सुनो। बोलो क्या हो गया यार, तेरे को ऐसे क्यों बात कर रही है? बोलो ना। अरे मैं तो बस ये बता रहा था कि मम्मी जी आ रही हैं कल। कल मम्मी जी आ रही है? मैं तो यहाँ पे पागल हूँ ना। अब कैसे क्यों बात कर रही है इतना सेंटी होके? पिछले महीने भी आई थी तुम्हारी माँ, उससे पिछले महीने फूफा जी। मुझे नौकरानी समझ रखा है क्या? एक तू मेरी बात सुन। चुप कर, इस बार कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी। 4 महीने हो गए घर पे बैठी हुई हूँ, कभी मम्मी कभी फूफा कभी ताया। अगले महीने क्या सरप्राइज है, तेरे पापा आ जाएंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी जो प्यार, मम्मी 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 का प्यारा बेटा जान, अपनी माँ के साथ जाके रहे, मेरे साथ क्यों रह रहा है? मैं चुप, पूरी बात सुनती है? आधे दिमाग की। अबे तब से कह रहा हूँ कि तेरी माँ आने वाली है, तेरी माँ का फोन आया था। ओ अच्छा, तेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए उन्होंने मेरे को कॉल किया था। माँ के बारे में ऐसा सोचती? तुम खाने में क्या खाओगे? जहर खाऊंगा, पड़ा हुआ है, बना के लाती हूँ। हे गाइस, तो एंटरटेनमेंट जारी रहेगा पर उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड ने बताया है फ्रॉम बिनोमो। बिनोमो लेके आया एक कॉन्टेस्ट बीनो टोर जिसका प्राइस पूल मनी है $16,000 का, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ न्यू यूजर्स के लिए है जिन्होंने अगस्त में बिनोमो पे ट्रेडिंग स्टार्ट करी है। और इसमें आप प्राइस जीत सकते हैं जैसे कि मैकबुक आईफोन 13, और यही नहीं अप टू $9,000 का आप सर्टिफिकेट जीत सकते हैं जिससे आप अपने सपनों की ट्रिप पूरी कर सकते हैं। एंड गाइस, बिनोमो जो कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और एक एडिशनल इनकम का सोर्स है और बहुत ही कन्वीनियंट वे है एक एडिशनल इनकम को बनाने का। गाइस आपको अनुमान लगाना है यानी कि प्रिडिक्ट करना है, और अगर आपका फॉरकास्ट सही निकलता है तो आप $1,200 तक जीत सकते हैं। और गाइस बीनो ट्रिप चल रहा है 15 से लेकर 30 अगस्त तक, और इसके रूल्स बिल्कुल क्लियर है। हर ट्रेडर को डेली ट्रेड करना है 11,500 रुपए की यानी कि $147 की। जितनी ज्यादा आप ट्रेड करते हो आपको उतने बीनो टिकट्स मिलेंगे, और जितने ज्यादा आपको बीनो टिकट्स मिलेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस कॉन्टेस्ट को जीतने का। गाइस बीनो टिकट पर्सनलाइज है और ये सिलेक्ट किया जाता है रैंडमाइजर के थ्रू हर वीकेंड में विनर को अनाउंस करने के लिए। तो गाइस देर बिल्कुल मत करिए, अभी जाके कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले वहां से जाके आप बिनोमो को डाउनलोड करिए और साइन अप कर दीजिए और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। थैंक यू गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं। कितनी बार बोला है मुझे सब्जी मंडी ले जाया करो, आज फिर उस सब्जी वाले के पास ले गए और बात भी मुझे नहीं करने देते। इतना महंगा प्याज लेके आए हो। कितनी बार बोला है 5 रुपए बचाने के लिए ऐसी चिंदी वाली बातें मत किया कर, सब्जी मंडी यहाँ से बहुत दूर है, 100 रुपए का पेट्रोल लग जाता। तो इतनी महंगी सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? आ गई, घर चले। अरे विनेश, अबे हम, ये चूतिया कौन है? अबे हम, अबे तुम्हारे बर्थडे पे नाचे थे वे। अबे मंगू, कैसे हो भाई? अरे मंगू है हमारे बचपन का दोस्त, पकड़ना इसको। कर रहे हो बे शहर में? अरे यार वो बाबूजी का बबसीर का दिक्कत नहीं था। अच्छा हाँ, हम सोचे इस बार निपटा ही दे बाप। कैसे आदमी हो यार, अपने बाप को निपटाने की बात कर रहे हो तुम? अबे भौरा हो रहा हो गया हो क्या? बीमारी का बात कर रहे हैं बाबूजी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शहर में हो कब तक? 2-4 दिन का बीखप लेके आए हैं। अरे 2-4 दिन का लेके आयो ना, ये तुम्हारी भाभी जी हमारी मिसेस और ये बनाती है बहुत अच्छा खाना, तो आज रात को हमारे यहाँ खाना डन कर लो तुम। क्या बात कर रहे हो? अबे हाँ बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है खाने पर। अभी कुछ बात करनी है, आना जरा। एक क्या नहीं होता, देख के आए हो तुम? बकोट क्यों रही हो, बचपन का दोस्त है, खाने पे तो बुलाए। तो अपने सर पे बिठा लो, तुम्हें पता है ना मैं कितना थक जाती हूँ, क्यों बुलाया उसको खाने पे? और तो जाके आराम से पूरे दिन रेस्ट कर लियो, कौन सा रोज रोज बुलाया दावत पे, आज बनाएगा खा के निकल जाएगा। ये पकड़ अपनी सब्जी, मैं अपने घर जा रही हूँ, बना ले खाना खुद। अरे 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 क्यों? मंगू हम क्या कह रहे थे कि
तुम्हारी भाभी तो अपने घर जा रही है, तो आज खाने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कोई नहीं बाद में करते हैं। पर दारू पीने का प्लान तो रख सकते हैं ना। क्या बात कर रहा हूँ, हम बोतल मिला है बढ़िया वाला एकदम। बिल्कुल मेरे जाने की बहुत खुशी है। तुम कैसे सरप्राइज देती रहती हो, छुपन छुपाई खेल रही हो हमारे साथ। खाने पे बुलाना है ना तुम्हें, इसे बुलाना। अब हमको बहुत जरूरी काम याद आया यार, हम भूल ही गए, हम चलते हैं, मिलते हैं फिर तुमसे बाद में। अरे तुम उसको डरा दी। अरे पूरे हफ्ते तो एचआर का मुंह देखते हैं, आज क्यों जाना। हाँ रखो, आज संडे का दिन है, आराम से बैठ के अखबार पढ़ेंगे। लाड साहब की तरह बैठा रहता है, ये नहीं कि मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाए। कैटरीना ने की विकी से शादी, तोड़े लाखों दिल। अबे कैटरीना सच में इतनी खूबसूरत है कि मेकअप लगाती है। खैर छोड़ो, जब किस्मत में पुलाव है तो बिरयानी के क्यों ख्वाब देखे। आ चल एक कप चाय पिलाना। चाय पत्ती खत्म है, ले आना जरा। हो गया संडे, लाते हैं। और कुछ? एक काम करो, टमाटर काट लेती हूँ, उसके बाद पर्चा बना दूंगी, सब कुछ ही जाके ले आना। अबे सुबह के भूखे आदमी है, कम से कम जाने से पहले कुछ खिला तो दो हमको, अंडे पड़े होंगे ना। अंडे? पिछले हफ्ते तुम्हारे चाचा जी आए थे ना, खा गए सर। तो ब्रेड पड़ा होगा, ब्रेड को सेक के दे दो। तुम्हारी मम्मी को ब्रेड जाम कितना पसंद है, खत्म। अरे घर में कुछ तो पड़ा होगा ना खाने का। कुत्ते वाले बिस्किट रखे है, चलेंगे। यार हमने तो कुत्ता पाला ही नहीं, तो कुत्ते वाले बिस्किट क्यों? अरे वो आते तो है तुम्हारे रिश्तेदार। वे तेरी और मेरे घर वालों के आजकल कुछ ज्यादा नहीं पटने लग गई है। एक काम कर, नमकीन पड़ोगे नमकीन ले आ। ओके। वे वोल्डेमॉर्ट की चाची, जब तेरे से बोला नमकीन दे तो ये नमक क्यों दे रही है मेरे को? नमकीन के नाम पे यही है, अब जीप पे लगा और चाट। घर में जहर पड़ा है। शिट, उसको तो लिस्ट में डाला, भूल ही गई, रुक जा। अबे तू कम पढ़ी लिखी है कि बचपन से गंवार थी? शादी हुई तो इसका बाप कहता कि मेरी बेटी गऊ जैसी है, क्या पता था मेरे पिछवाड़े में सिंह मारेगी। मौसम अच्छा हो रहा है ना? अरे क्या खाक मौसम अच्छा हो रहा है, हमारे घर का पूरा मौसम बिगड़ा हुआ है। हम तो तूफानों के बीच पलना सीख लें। तूफानों के बीच? कपड़ा लत्ता जूता कच्चा सब धुलवाती है। मम्मी पापा बोले एक बार शादी कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा। ये तो बता ही नहीं कि लड़की का सब बढ़िया होगा ना, हमारे लिए तो सब घटिया ही है। हमारा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारे क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जो तुम तीन चार काम बताए थे ना, उसमें दो चार और जोड़ लो, बस वही चल रहा है। हमारी वाली तो पढ़ी लिखी है, छोटी छोटी बात पे बोलती है कि डाउरी का केस कर देगी। बाप ढेला कुछ नहीं दिया था एज में। शुक्र है यार हमारी वाली पढ़ी लिखी नहीं है, बड़ा दिक्कत हो जाता फिर तो। अरे हमारी वाली क्राइम सावधान उदान देख के एकदम सठियाई रहती है बे, पूरे दिन एकदम भिनकती रहती है, साई की तरह पीछे रहती है। कहाँ गए, किससे बात करो, फोन पे किसका कॉल आया, बाथरूम में दो मिनट से ज्यादा काहे लग गया तुमको, यहाँ तक कभी भी हम पे नजर रखी हुई है। नहीं झूठ बोल रहे, ये तो ज्यादा हो रहा है। तुमको ज्यादा लग रहा है, फेंक रहा पीछे देखो पीछे। अरे यही देख रही है, रिएक्ट मत करना, टॉपिक बदलो टॉपिक। रोनाल्डो क्या खेलता है क्रिकेट यार, साला सीधा सेंचुरी सीधा। अरे एक मिनट यार, फोन आया हमारा। हेलो, हाँ हाँ आ रहे। अरे छुपन छुपाई मत खेलो हमारे साथ, घर में नहीं, हम बाहर आए थे वो साबुन लेने के लिए। हाँ ठीक है आ रहे। जैसे तुम्हारी बीवी है ना, वैसे हमारी बीवी बहुत प्यार करती है हमसे, रह ही नहीं पाती एक मिनट भी। हम आते हैं, तुम देखो जरा। अरे भाई क्या बात कर रहा था उससे? अरे वो हम तो दोस्तों वाली बात कर रहे थे ना, पर्सनल चड्डी बड्डी। झूठ बोल रहा है, मेरी बुराई कर रहा था ना?
मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगा? झूठ बोल। तुम्हारी कसम, झूठ बोल रहा हो तो अभी मर जाओ तुम। देख क्या रहा है तुम? मरने बर्तन धोने निकल। हाँ कपड़े बर्तन धोने। दिल में दर्द क्यों हो रहा है? अरे शर्मा जी, हम कोई बहाना नहीं कर रहे, हम कोशिश ही कर रहे हैं आपको प्रेजेंटेशन भेजने की, हमारा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। अरे हम भेजते हैं, फोन रखे, हम करते हैं। क्या हो गया यार इसको? पानी क्यों? पानी क्यों? नहीं चल रहा है, पानी आ रहा है इसमें से। ओ, तुम ही तो कह रहे थे ना कि लैपटॉप बहुत गंदा हो रहा है और पड़े पड़े तुम यूज भी नहीं कर रहे, तो मैंने उसे वॉशिंग मशीन में धो दिया। क्या किया? वॉशिंग मशीन में धो दिया। इसकी मां का हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ऊपर जाके टीवी का सिग्नल उखाड़ दूंगा, मत देखा कर गोपी भाई। मेरा दूसरा ऑफिस वाला फोन लेके आ। वो फोन तो मैंने भिगोने डाला है साफ करने के लिए। कपड़े कच्चे तो हो जाते हैं, फोन मोबाइल चली जा, मैं मार दूंगा। बेबी देखना फोन किसका आ रहा है, लाउड स्पीकर पे कर देना। और भाई कल मैंने सुना निशा के साथ बहुत मजे किए तूने। हेलो कौन? अब तो भाई को ही भूल गया, लड़की मिली तो। तू मुझे ये बता, जब भी तेरा नाम ले रहा हूँ निशा के आगे, वो शर्मा क्यों रही है इतना? हाँ भाई एक बार बात। कौन है निशा? कौन है निशा? देखो तूने बात थोड़ी कर दी, मुझे क्या पता कौन है निशा? इंसान झूठा आदमी है, तेरे सामने कॉल आया है, बता कौन है निशा? मां मेरे सामने कॉल आया, ये क्या बात हुई? मेरे को तूने बात ही नहीं करने दी। मेरे झूठे, सच सच बता दे कौन है ये लड़की? मेरी मां, मैं नहीं जानता कौन है ये लड़की। और कल रात को तो मैं तेरे साथ था ना, तो मैं कैसे किसी लड़की के साथ आऊंगा? तुझे कौन सा अच्छा लगता है मेरे साथ सोना? जाना उस निशा के पास जाके सो। कैसी चरित्रहीन बातें कर रही हो यार, बीवी हो तुम, ऐसा बोलते हो, तुमको शोभा भी दे रहा है? मैं चरित्रहीन की तू? मुझे तो पहले से ही पता था, पति के नाम पे चाय पत्ती है तू। पहले तू मुझे ये बताएगा कि निशा कौन है। तेरे को बीवी, मेरे को नहीं पता निशा कौन है। ये तो बताया ना मेरा बाप कौन है। हाँ सीबीआई के ऑफिस में पीयून है तो। बस उसी पीयून ने मेरे को टॉर्चर करना भी सिखाया। जब कह रहा हूँ नहीं पता कि कौन। मर साले, बता। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हो और रोहित कहाँ है? कौन रोहित? ये रोहित सक्सेना का नंबर है ना? ये अवनीश सिंह का नंबर है, किससे बात करनी है आपको? ये नागलो ही नहीं लगा ये फोन? नहीं। I'm really sorry madam, वो
वो पहले भी मुझसे गलती से फोन लग गया। रियली सॉरी, हाँ रियली सॉरी। नहीं पता कौन है। सॉरी। चुप। गलत तुम्हारी है। दो मिनट और अगर दबाई होती तो यमराज को हाय बोल रहा हूँ। अबे निकल। माफ कर तो सॉरी। कर रहे हो आप? चली जा। अब कौन है यार? हेलो। हेलो अविनीश, कैसे हो डार्लिंग? अपना मौत के साथ अपॉइंटमेंट होने वाला है अगले कुछ पल में। तेरे को मिलता।